वेलकम बैक टू एम एस ट्रेट बैंक सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आज हम बात करेंगे एच डी एफ़ सी बैंक के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट के बारे में सो लेट स्टार्ट सो जैसे कि आप देख रहे हैं हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आए हैं सो so, यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक क्वार्टर टू रिज़ल्ट प्रोफिट ग्रोथ सेवेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट टू एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी फोर करोर एंड नेट इंटरेस्ट इनकम राइजेस ट्वेल्व परसेंट नेट इंटरेस्ट इनकम डिफरेंस बिटवीन द अंड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इंक्रीज टू ट्वेल्व पॉइंट वन परसेंट ऑन ईयर ऑन ईयर सो जो सप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का नेट इंटरेस्ट अंड है वो सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी फोर करोड़ है एज़ कंपेयर टू सप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन ईयर ऑन ईयर basis, कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन was 4.1%. अगर हम कौर इंटरेस्ट की बात करें तो उसका परसेंटेज कैलकुलेट ऐसे होता है कि बैंक ने जहाँ से पैसा उठाया है और जहाँ पे पैसा लेंड किया है मतलब जितने परसेंटेज पे उठाया है और कितने परसेंटेज पे लेंड किया है तो तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कोर मार्जिन बोला जाता है तो एडवांसेस इंक्रीज टू इलेवन पॉइंट नाइन एट लैक सो फोर पॉइंट फोर परसेंट इट इज ईयर ऑन ईयर एच डी एफ सी बैंक हेड साइड कासा डिपोजिट एट सिक्स पॉइंट फाइव एट लैक एज ऑफ सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट पॉइंट परसेंट ईयर ऑन ईयर सो गाइज यहाँ पे कासा का मतलब है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट सो गाइज किसी भी बैंक के पास पैसा आता है तो वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा है तो बैंक की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ही कम होती है एस कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ फिनंस कासा रेशियो इंक्रीजिंग टू अराउंड फोर्टी सेवन परसेंट एज ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन कम्पेयर टू फोर पॉइंट फोर्टी वन पॉइंट सिक्स परसेंट इन क्वार्टर फाइनेंशियल ट्वेंटी एंड 45.5% फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो इसका मतलब गाइज कासा रेशियो सितंबर 2020 में 41.6 परसेंट था और सितंबर 2021 में 47 परसेंट है ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट 1.35 परसेंट ऑफ ग्रोस एडवांसेस एज ऑफ सितंबर 2021 वेयर हायर कंपेयर टू 1.47 परसेंट इन जून 2021 क्वार्टर इसका मतलब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो एन है वो कम हुआ है मतलब 1.47 से घटकर 1.35 परसेंट हुआ है वाइल नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट एट 0.4 परसेंट फॉर द क्वार्टर डिक्लाइन फ्रॉम 0.48 परसेंट इन प्रीवियस क्वार्टर इसका मतलब है कि नेट एन डिक्रीज़ हुआ है बाय 0.4 परसेंट बैंक साइड अदर इनकम नॉन इंटरेस्ट इनकम एट सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट करोर इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी टू ग्री बाई ट्वेंटी ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एज अ फीस इनकमीजन विच अकाउंटेड फॉर सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ अदर इनकम जम ट्वेंटी फाइव परसेंट टू रुपीज फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव करोर ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका मतलब ग जो बैंक की टोटल अधर इनकम है उसका 67% परसेंट इनकम सिर्फ फीस एंड कमीशन से है सो so, वो फीस 25% परसेंट से बड़ा है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो नाउ गाइस, लेट्स डू सम मोर एनालिसिस ऑन चार्ट सो एज ऑफ नाउ हम बात करें तो एच बैंक अभी 1687 पे है अगर ये वहाँ पे एनालाइज करें तो ये लगातार हायर हाइस बना रहा है और हायर लोस बना रहा है ये प्राइस तो स्ट्रॉन्ग है ही अगर आप इसमें लंबी दूरी की पोजीशन बनाएंगे तो मुझे लगता है आप बढ़िया पैसा बनाएंगे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक दिग्गज बैंक है और इंडस्ट्री का लीडर है इसकी जो असेट क्वालिटी है वो भी बढ़िया है और जैसे कि हमने रिजल्ट्स में देखा इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो इंटरेस्ट का इनकम है वो भी बड़ा है और इसकी अदर इनकम भी काफ़ी बड़ी है यहाँ पर हम रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो एक वीक में एच बैंक ने फाइव का रिटर्न दिया है वन मंथ में सेवन पॉइंट फाइव टू परसेंट का रिटर्न दिया है और एक साल में फोर्टी पॉइंट टू परसेंट का रिटर्न दिया है पाँच साल में वन हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री पॉइंट ट्वेंटी सेवन परसेंट का रिटर्न दिया है और हम लाइफ टाइम की बात करें तो एच बैंक ने मैसेव रिटर्न दिया है जो कि टेन थाउजेंड हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री परसेंट है अगर हम यहाँ पे एनालिस्ट की राय देखें तो नाइन्टी परसेंट एनालिस्ट इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं एच बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है सिक्सटीन हंड्रेड सेवन रुपीज़ यहाँ से जो हायर साइड के ऊपर टारगेट बताया जा रहा है वो है टू थाउजेंड सिक्सटी एट रुपीज़ जो कि करंट मार्केट प्राइस से 22.59 परसेंट अप है और हम एवरेज टारगेट की बात करें तो वो बताया जा रहा है 1857 रुपीस जो कि करंट मार्केट प्राइस से 10 परसेंट अप है और लोअर साइड की बात करें तो 1437 जो कि करंट मार्केट प्राइस से 14.83 परसेंट डाउन है यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सो होप यू गाइज यू एंजॉयड द वीडियो सो ऐसे ही जेन्यून इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में थैंक यू